हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्नैपशीट में आप कैसे अपनी किसी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्नैपशीट सबसे पहले खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपनी फ़ोटो ले रखी है, टूल में जाएंगे, ट्यून इमेज करेंगे। ट्यून इमेज करने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सी बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सी बढ़ा देंगे और एम्बियंट को थोड़ा से बढ़ा देंगे। तो जब आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप में दिखता है कि कितने परसेंट वो बढ़ गया। जब आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा इसको राइट क्लिक कर दीजिए। अब टूल में जाएंगे, डिटेल्स हमें प्रॉपर देखने हैं तो वहाँ पर जाकर सारे शार्पनिंग को आप बढ़ा दीजिएगा तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर टूल में जाएंगे हम लोग और आपके यहाँ पे देखिए क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर रोटेट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव सेट कर सकते हैं, फ़ोटो को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आई, आप चाहे हॉरिजेंटल चाहे वर्टिकल इसको बढ़ा सकते हैं। बर्न में जा कर के आप अपनी फ़ोटो को एक्सपोज कर सकते हैं। इसको बड़ा करा आपने और आप चाहते हैं कि जो पोर्शन आपका क्लियर दिखे उस पोर्शन को आप ब्रश से जब आप करिएगा तो आपकी फ़ोटो एक्सपोज हो जाएगी। अब वापस हम लोग फोटो को एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे जो डॉट एज हो गया अगर तो इसको वापस करा फिर से करेंगे। अंडू करा, यहाँ से देखिए जब अंडू करना तो अंडू करेंगे तो एक पीछे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग तो फिर टूल में जाएंगे, टूल में जाकर ब्रश करेंगे, ब्रश करके एक्सपोजर करेंगे। अब फ़ोटो में जाकर के फ़ोटो को एक्सपोज करेंगे तो फ़ोटो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके करेंगे, फिर उसके बाद टूल में जाएंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पर जा कर के ग्लैमर ग्लो कर सकते हैं। इसमें ये दिखाएगा कि कौन सा आप यू चूज़ कीजिए कि आपकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आए तो बना बनाया दिया हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कोई नहीं चूज़ किया, फिर टूल में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर विंटेज में जाएंगे। विंटेज में आप जब आप जो पोर्शन ले लीजिएगा उसके हिसाब से आपकी देखिए फ़ोटो का कलर हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले से सेट है। ये देखिए डिफरेंट कलर सेट है, जो वाला आपको सूट लगे आपके फ़ोटो के हिसाब से वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसको ओके कर दिया, टूल में गए। अब आपने पोर्ट्रेट लिया, पोर्ट्रेट में आप जब जाते हैं तो इसमें देखिए स्किन स्मूद कर देता है, फेस स्पॉटलाइट जो है बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर दीजिए चाहे तो, और आई क्लैरिटी दी हुई है। अब इसमें देखिए बना बनाया भी दिया हुआ है कि कौन सा कॉम्बो यूज़ करिए कि आपकी फ़ोटो सही दिखे, तो जिसमें आपकी फ़ोटो सबसे सही दिखे वो वाला आप चूज़ कर सकते हैं। स्मूथ है, ये है स्मूथ वन है, स्पॉटलाइट है, नन है, नन कर दीजिएगा तो कोई भी नहीं लगेगा, क्रॉस कर दीजिएगा। और अगर फिर से आपको चैन लगता था तो आप वहाँ पे जा कर के कॉम्बो थ्री कॉम्बो टू जो आप चाहिए वो सेलेक्ट कर देंगे। ये वाले में देखिए आपका फेस एक्सप्रेशन भी दिख रहा है तो आप यही वाला ले लीजिए। अब टूल में गए, यहाँ पे देखिए हेड पोस्ट है। हेड पोस्ट से क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी हिल सकती है। ये देखिए पूरा फेस आपका जब लीजिएगा तो पूरा फेस आपका हिलेगा। ये देखिए पूरा सिर आप हिला सकते हैं। हेड पोस्ट में कई चीज़ें आप देखिए स्माइल को बढ़ा सकते हैं, स्माइल आपकी बढ़ जाएगी। इसमें फोकल लेंथ ले सकते हैं, इसमें प्यूपल साइज़ जो है वो आपकी
चेंज होगी। तो इसको देखें, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ये पीपल साइज़ हो जाएगी। यहाँ से आप स्माइल को छोटा भी कर सकते हैं, हमने बढ़ाया था उसको, थोड़ा छोटा कर देंगे। तो इस तरह से आप फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैंगे स्नैपशीट में। अभी आपको जब सब कुछ आप कर चुके हैं फिर पसंद नहीं आया आपको, तो आप यहाँ जा कर के अपनी फ़ोटो को रिवर्ट भी कर सकते हैं। जब आप रिवर्ट करिएगा तो पुरानी फ़ोटो आपकी आ जाएगी और फिर से आप अपनी फ़ोटो को अपने हिसाब से, इसको देखिए इसमें ट्यूटोरियल भी दिया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेटिंग दी हुई है, डिफरेंट साइज़ की इमेज की सेटिंग दी हुई है, ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डार्क थीम दिया हुआ है सेटिंग में, इसको कर दीजिएगा तो डार्क थीम आ जाएगी, जिससे आप अच्छे से इसको देख पाइए। तो इसमें बहुत अधिक टूल्स हैं और आप अपनी फ़ोटो को बहुत अच्छे से एडिट करके, डबल एक्सपोज में क्या होगा कि मास्क कर देगा आपके पीछे के बैकग्राउंड को और आप उसको यूज़ कर पाइएगा। ब्लैक एंड वाइट में आपकी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, आप उसको ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। ब्राइट कर दीजिएगा तो यहाँ से ये देखिए डार्क करिएगा, फिल्म करिएगा, डार्क एंड स्काई करिएगा, तो मेरे ख्याल से ब्राइट वाला सही है। इसको करके सेव करिएगा। अब आप जब सेव करते हैं तो आपसे शेयर पूछता है, सेव पूछता है, एक्सपोर्ट पूछता है। एक्सपोर्ट करिएगा तो सेम पिक्चर पे राइट कर देगा, अगर सेव करिएगा आप तो वो दूसरी पिक्चर बना देगा, तो आपकी कलर्ड फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट भी बन जाएगी। लुक्स में आप देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट ये सारा दिया हुआ है, आप जिसको चाहिए उसको यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग का यह ऑरेंज हो जा रहा ब्राइट, अब इसमें ये जो जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। पुश स्ट्रक्चर बहुत तरह से इसमें, करंट क्या है ये आपने, अगर ब्लैक एंड वाइट सेव करना है तो ब्लैक एंड वाइट आप एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। फ़ोटो सेव व्यू करके देख लीजिए कैसी आई, तो व्यू कहाँ करेगा ये पिक्सा लैब में गया होगा, ये आ गई देखिए आपकी फ़ोटो इस तरह से आ गई। अब ये पिक्सा लैब में आपकी फ़ोटो आप इसको अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं या फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं या कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आर यू श्योर यू वांट टू लीव पिक्सा लैब, ओके, तो आप डायरेक्ट अपनी फ़ोटो को यहाँ से पिक्सा लैब में भेज सकते हैं। So this is all to the viewer. If you like this information and want to edit the photo on a Snapchat, then you can edit the photo. And अगर आपको ये मेरी information अच्छी लगी हो तो please share और subscribe करिएगा. Thank you.